बड़े पर्दे पर अपनी अदाकारी का जलवा दिखाने वाली काजोल अब ओटीटी पर दस्तक देने को बिल्कुल तैयार हैं। जी हाँ, अपनी काली काली आंखों और घुंघराले बालों से लाखों दिलों को धड़काने वाली काजोल जल्द ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार के साथ वेब सीरीज में अपना डेब्यू करेंगी। और ये बात खुद डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने कंफर्म की है कि काजोल की ये सीरीज उन्हीं के प्लेटफॉर्म पर टेलीकास्ट की जाएगी। वेल, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग काजोल ने इस प्रोजेक्ट को साइन कर लिया है। आपको बता दें कि इस फिल्म में उनका रोल बेहद स्ट्रॉन्ग और बोल्ड होगा, जिसमें हम उन्हें एक माँ और वाइफ के कैरेक्टर में देखेंगे, जिसमें उन्हें अपने परिवार की खातिर करियर की दौड़ में शामिल होने के लिए मजबूर किया जाता है। सोर्सेज की माने तो ये सीरीज एक इंटेंस ड्रामा होगी, जिसमें क्राइम और पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द फैमिली की कहानी को बुना गया है। ये एक महिला केंद्रित वेब सीरीज है, जिसका टाइटल फिलहाल फाइनल नहीं किया गया है। वहीं काजोल इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। वो अगले कुछ हफ्तों में मुंबई में इसकी शूटिंग शुरू करेंगी। वेल, आपको बता दें कि शो को कई सीजन में लाने की तैयारी है, जिसे बहुत बड़े स्केल पर बनाने की प्लानिंग की जा रही है। फिलहाल फिल्म मेकर इसके प्री प्रोडक्शन के काम में जुटे हुए हैं। अगले साल ये सीरीज ऑडियंस के बीच आ सकती है। वेल, आपको बता दें कि इससे पहले भी काजोल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर त्रिभंगा नाम की एक फीचर फिल्म में नजर आ चुकी हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी एक्सक्लूसिविटी को बचा कर रखा था। और अब फाइनली लंबे इंतजार के बाद काजोल दमदार वापसी के लिए बिल्कुल तैयार हैं। वेल, आपको बता दें कि फिल्म को सुपर्ण वर्मा डायरेक्ट करेंगे, जिन्होंने द फैमिली मैन की कहानी लिखी। तो बस अब थोड़ा सा इंतजार और, क्योंकि प्रोजेक्ट को लेकर काम काफी तेजी से चल रहा है। वैसे आप काजोल के ओटीटी पर आने को लेकर कितने एक्साइटेड हैं? कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाए। सामने मैं सामने।